हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजानन और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, पीछे में कुछ चेंजिंग सा लग रहा होगा गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लकड़ी भी गड़ा हुआ है। तो गाइस, मैं इस वीडियो को अभी मॉर्निंग के टाइम में 6:30 बजे आके गाइस खेत में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस घर में मेजबान लोग हैं, इसलिए गाइस मैं वीडियो को घर में नहीं शूट कर सकता। और आपको मैंने बताया था गाइस कि मैं आज के बाद रेगुलरली वीडियोज डालूंगा, बट गाइस मैं कल भी वीडियोज नहीं डाला, इसलिए गाइस सॉरी। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा, इसलिए गाइस इस वीडियो को मैं खेत में आकर शूट कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर शूट करने का मेरा मतलब यही था गाइस कि मैंने आपको बोला था कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा, इसलिए गाइस मैं इस वीडियो को खेत में आके शूट कर रहा हूँ और आज का वीडियो आज ही अपलोड होने वाला है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा फ्रेंड्स कि आपके मोबाइल में गाइस आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो या तो स्क्रीन शॉट लेते हो गाइस, तो आप अभी आप सभी के पास गाइस न्यू मोबाइल आ चुका है। तो गाइस, न्यू मोबाइल में आपको एक फीचर मिलता है, आप साइड से इस तरह से स्क्रॉल करते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इस PNG में इस तरह से आप साइड से स्क्रॉल करते हो, तो वहाँ पर गाइस एक बार आता है और वहाँ पर गाइस आपको आप जो भी ऐप्स वहाँ पर सेट करते हो वो ऐप्स वहाँ पर आपको मिलते हैं। तो गाइस, उन ऐप्स में गाइस आपको थोड़े कम ऐप्स मिलते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा फ्रेंड्स कि आप कैसे वहाँ पर जो आपको जो ऐप्स नहीं चाहिए उनको वहाँ से आप डिलीट करके जो ऐप्स आप वहाँ पर लगाना चाहते हो उन ऐप्स को आप उस बार में लगा सकते हैं। यही सारी चीज़ें गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको वेरी सिंपल तरीके से बताने लो गाइस, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो चले गाइस, हम चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन में और जान लेते हैं कि कैसे करना है सारे प्रोसेस को। तो चले गाइस, हम चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन। फाइनली हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप देख सकते हैं इस राइट साइड से हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बार आया है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो गाइस, इनमें से किसी भी ऑप्शन को यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हो और यहाँ पर आप न्यू ऑप्शन लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हैं गाइस। तो इसके लिए गाइस, मैं सबसे पहले हमारे होम पर बैक चले जाता हूँ और गाइस इसको यहाँ पर आपको इस तरह से आपको यहाँ पर ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद गाइस, इसको यहाँ पर इस बार को आपको ऊपर के साइड में ढकलना है। तो ऊपर के साइड में स्क्रॉल करने के बाद गाइस, नीचे में आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, तो इस प्लस के आइकन पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। तो गाइस, हमने तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर दिए, तो यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं माइनस का ऑप्शन जहाँ पर भी दिख रहा है, तो यहाँ से गाइस आप इस फाइल को, कैलकुलेटर को, स्क्रीन रिकॉर्डर को यहाँ से आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप हटा भी सकते हो। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टूल्स दिख रहे हैं, स्क्रीन ट्रांसलेटर, रिकॉर्डर, तो गाइस इनको यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अदरवाइज गाइस, आप यहाँ पर आप ऊपर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऐप्स तो दिख रहे हैं गाइस, बट ये यहाँ पर हाइड हो चुके हैं, तो इनको भी आप हटा सकते हैं और यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इनको चेंज करने के लिए गाइस, ऊपर में टूल्स के बगल में एक ऑप्शन दिखता है ऐप्स का, तो सिंपली से गाइस आपको ऐप्स पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर जैसे ऐप्स पर क्लिक करेंगे गाइस, तो इनमें से जिस भी ऐप्स को आप यहाँ पर लगाना चाहते हो उस ऐप्स को यहाँ पर आप लगा सकते हैं। जैसे कि गाइस, मैं यहाँ पर एज कैलकुलेटर को यहाँ पर लगा कर दिखाना वाला हूँ। एज कैलकुलेटर पर मैं आप जैसे ही क्लिक करूँगा गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज कैलकुलेटर लग चुका है। और गाइस, मैं चाहूँ कि एज कैलकुलेटर को यहाँ से हटा दूँ, तो गाइस यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। इसके अलावा गाइस, मैं चाहूँ कि फेसबुक को यहाँ पर ऐड करूँ, तो यहाँ पर मैं फेसबुक को ऐड कर सकता हूँ, व्हाट्सअप को ऐड कर सकता हूँ, मैसेंजर को ऐड कर सकता हूँ गाइस, एज कैलकुलेटर को ऐड कर सकता हूँ। और गाइस, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि गाइस, हमने डन पर क्लिक कर चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, मैं फिर से आपको बैक चले जाता हूँ और फिर से इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, मिली मिल्टा और फेसबुक, व्हाट्सअप, एज कैलकुलेटर यहाँ पर लग चुके हैं। और गाइस, इनको मैं अभी तुरंत डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। उसके लिए प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस, उन पर माइनस का निशान आएगा रेड कलर में, तो आपको इस माइनस वाले ऑप्शन पर आपको फाइनली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइस हम यहाँ पर माइनस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तो हमारा बार पे जितने भी ऐप्स यहाँ पर लगे थे वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इसी तरह से गाइस, इस वाले बार पर आप कोई भी ऑप्शन, कोई भी ऐप्स लगा सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे कि कैसे करना है सारे प्रोसेस को। तो गाइस, आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी नॉलेज मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि गाइस आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहते। मिलते गाइस किसी इंटरेस्टिंग से नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।